तो बताइए क्या लिखा है। और अगर इसके अंदर ऊपर दो मात्रा लगा देंगे ना ओ की, तो ये बन जाएगा शय। ओ की मात्रा नहीं, अ की मात्रा। आपको ए ऐनक सिखाए, उसके ऊपर जो दो मात्रा होती है ना, ये वो वाली मात्रा है। तो ऐसा समझो कि श के बाद वो लिखा हुआ है, तो इसको बोलो शय। अरे या नहीं, शय शय शय। कहाँ जा रहे हो पापा? आपको मैं भी चलूँ। ओहो, आज पापा और बेबू मैचिंग देखना, इधर देखना दोनों। ब्लू 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 ब्लू। ओके पापा, आप हमारे लिए क्या लाओगे? इतनी बड़ी? नहीं 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 नहीं, नौरता लग रहे हैं। तुम्हारा व्रत नहीं है तो क्या हुआ? तो मम्मी चॉकलेट भी खा सकते। और ये आई कैमरा प्रेमी, जैसे कैमरा ऑन देखेगी पहुंच जाएगी। एक किसी तो कर दिया ना। किसको? मुझे, ऐसे वाला। हाँ ना, अरे मम्मी बोल रही है उनको कर। मम्मी बोल रही है कि मेरे को करो, इससे जा। दिखी नहीं रही है। आ गई आना को शर्म आई। आना एक बार पापा के पीछे से मुंह तो दिखा। मैं हूं करने? नहीं अभी नहीं रुको। आना पापा के पीछे से एक मुंह तो निकाल। मैं फोटो क्लिक करूंगी तेरी। मैं नहीं, चलो पापा को जाने दो, लेट हो रहा है। ये देखो मेरा फेस, कितने पिंपल्स, पूरा फेस मेरा खराब हो रहा है। एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ वाटर डेफिशिएंसी, मेरी बॉडी में जो हो रही है ना, आंखों के नीचे जो ब्लैकनेस हो रही है, चेहरा इतना डल हो रहा है ना, मुझे पता है ये पानी वजह। और 3 दिन से मैं पानी नहीं पी पा रही बिकॉज ऑफ माई लेग, बिकॉज आज डेट फ्री है, पैर में चोट लगे को मैं पानी नहीं पी रही, बिकॉज फिर पानी ज़्यादा पीऊँ तो आपको ज़्यादा वॉशरूम जाना पड़ता है और मेरे को पेन हो रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं घूमना चाहती, इसीलिए मैं पानी कम पी रही हूँ। तो वेलकम बैक दोस्तों, आप सबका स्वागत है। और देखा आपने बेबू कितने अच्छे से आना को पढ़ा रही थी। सही सही बट ज्यादा पानी पीऊंगी तो फिर वॉशरूम जाना पड़ेगा ना, और पैर पे और तेज लगेगी। खैर तो, और आज है 14, 2 दिन बाद नवरात्रि लग रहे हैं चैत्र वाले, तो हाँ उसके बाद आएंगी गणगौर। तो हम लोग में नवरात्रों में मेहंदी नहीं लगाते हैं, तो सिंधारे या गणगौर के जो सिंधारे होते हैं वो हम नहीं कर सकते बिकॉज कि हम मेहंदी नहीं लगा सकते, तो इसीलिए मैं पहले ही बच्चों को मेहंदी लगा दे रही हूँ, उनका सिंधारे करा दे रही हूँ, ताकि इनको ये ना लगे कि हमें मेहंदी नहीं लगी, बाकी लोगों ने मेहंदी लगाई है, तो आज हम मेहंदी लगा लेंगे। ये पेपू का एक हाथ की मेहंदी डन, ये डन है। वो हाथ दिखा, पीछे से दिखाओ, पीछे से थोड़ा सा मैसी हो गया क्योंकि बेबो थक गई इतने से में। अरे जो पीछे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दैट्स ओके। हाथ लाल होने से मतलब है ना, मेहंदी मेहंदी से थोड़े ना, नहीं मेहंदी से तो मतलब है ही, लेकिन मैं मतलब ठीक है चलेगा। चलो हाथ दिखाओ जल्दी से। ओ ए, ऐसे क्या कर रही है? अब चलो ये सुखा लो, फिर तुम्हारे लगाऊंगी, तब तक तुमको लगा दूं और बड़ी को भी लगा दूं। हाँ, बड़ी को भी लगाऊं? नहीं वो खराब कर देगा, लिक कर लेगा वो।
ऊपर मत चढ़ना, मेरी मेहंदी खराब हो। थोड़ा सा हल्का सा आगे लेके जा, तो ऊपर चढ़ जाएगी। ये देखो मम्मा। अभी मेरी मेहंदी खराब करता तू। So this is my mehndi. मुझे मेहंदी लगानी आती है, but it's just कि मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे पैर में दर्द बहुत तेज हो रहा है। मेरी हालत देख के आप समझ रहे होंगे कि I'm not just lying, right? Sometimes ऐसा लगता है कि अगर आप pretend नहीं करूं, तो मतलब कैसे समझाऊं? कभी कभी ऐसा होता है कि आपको शो करना पड़ता है। जब आप शो करते हो तब ये लगता है कि अच्छा हाँ ये आदमी दर्द में है। अगर आप शो ना करो तो सबको ये लगता है कि नहीं ठीक है, बट ऐसा नहीं है। अगर कोई आदमी बैर कर रहा है इसका मतलब वो दर्द है उसे, बट वो बस दिखाना नहीं चाहता जस्ट बिकॉज क्योंकि ही और शी डजंट वॉन्ट सिंपथी। आई रिमेम्बर इससे पहले भी 2-3 बार जब मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ था ना, तो दर्द काफ़ी होता था, काफ़ी मतलब लाइक मैं चल नहीं पाती थी, बट स्टिल आई रिमेम्बर कि मैं पूरे घर का काम करती थी, मैं कोशिश करती थी एज मच एज आई कैन डू ना। तो बट उसी का कॉन्सिक्वेंसेस है शायद कि मेरी बोन ठीक से नहीं जुड़ी, तो इस बार मुझे वैसा कुछ नहीं चाहिए, इसलिए आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेड रेस्ट करूँ ताकि मेरा ये पैर जल्दी से हील हो जाए और जो मेरी पुरानी जो इंजरीज रह गई ये पैर में वो भी ठीक हो जाए साइड बाय साइड। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट ऑल्सो। तो हाँ मैं दिखाती नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे दर्द नहीं होता, मुझे भी दर्द होता है और बहुत दर्द होता है। इट्स जस्ट कि मैंने अपने आप को बहुत स्ट्रांग बना लिया, मुझे नहीं दिखाना, लेकिन इस स्माइल के पीछे का दर्द जैसे हो रहा है सिर्फ वही जानता है। हाँ दिखाओ तुम्हारी मेहंदी। वाओ वाओ, यहाँ पे क्या लिखा? ये मैं और ये दीदी, ये आप और ये माँ और ये दीदी बड़ी बड़ी और ये पापा और ये फूफू मतलब बुआ, ये बुआ, ये भी बुआ, ये भी बुआ, ये भी बुआ, ये सारे फूफू फूफू। और ये देखो और ये पीछे देखो आपके भी देखो मेरे भी देखो ये देखो फ्लावर 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 है ना? आपको एक डांस करके दिखाऊं? दिखाओ। कुछ अच्छा ही डांस होगा कि? वो बैले डांस करोगे क्या तुम? और देखो तुमने अपने ड्रेस पे भी लगा लिया, मेहंदी लगा ली ना? मेरे पैंट पे लगाई है। कैसे क्या करती हो? देख ले वो कल्चर लग गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुझे एक आइडिया एक और लगा है, तो चाहे आप ही नहीं करते? आपको पता है ना छोटे बेबीज नाइफ से शार्प ऑब्जेक्ट से नहीं करते, पर माँ तो करती है। मम्मी के पास लेना, मम्मा कर देंगे। इसका तो पानी लेना तो करना वो हद के पास जैसे ही मेहंदी लग जाएगा। गुगली है तुम, मेरा पता है गुगली है, गुगली। चलो आप सबको बाय बाय गुड नाइट बोल दो। बाय बाय गुड नाइट टू ऑल इज वेल ऑल गा टू।